हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पर। क्या आप जानते हैं भगवान श्री गौरचंद्र था चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची माता से वचन लिया, कहा कि माता आप मुझे एक दान दीजिए। माँ ने कहा क्या, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दान ये देना है कि आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। तभी से माता सची भी एकादशी व्रत का पालन करने लगी। देखिए, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की माता श्री भगवान अपनी माता को बाध्य कर सकते हैं कि एकादशी रखना है, तो फिर हम मनुष्य के लिए तो क्या ही कहना, हम सबको भी एकादशी करना बहुत जरूरी है। तो आज की एकादशी है अन्नदा एकादशी व्रत। अब ये कैसे की जाती है, क्या कथा है, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा जिनका नाम आप सबने सुना होगा, आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी फिल्मों में या नाटकों में। अच्छा, तुम ही तो केवल राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, अर्थात राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं कहा करते थे, हमेशा सत्य का पालन किया करते थे। तो ये कथा राजा हरिश्चंद्र से ही जुड़ी हुई है, जिनके पास अच्छा खासा राज्य था, जिनकी जिनका एक पुत्र था, एक पत्नी थी, लेकिन अपने वचन की रक्षा करने के लिए, उनका वचन था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य कहेंगे, तो उसकी रक्षा करने के लिए अपने राज्य को त्यागना पड़ा, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी त्यागना पड़ा। अब हुआ ये प्रभु कि महाराज हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र जो है, एक चंडाल के यहाँ नौकर के तौर पर काम करने लगे। और वो जो चंडाल था वो सेवा ये दिया करता था कि राजा तुमको शमशान घाट पर जाके मुर्दों का कफन लेना है। मुर्दों के कफन लेने का कार्य राजा हरिश्चंद्र के पास था। ऐसा निम्न नीच कार्य करने के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ा, हमेशा वो सत्य कहते रहे, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। जब राजा हरिश्चंद्र काफी दुखी हो रहे थे, रुदन कर रहे थे, तब वहां पर ऋषि गौतम आए, उनके समीप आए, और ऋषि गौतम ने मनी मन ये विचार किया कि ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों की रचना इसलिए करी है, सृष्टि में भगवान ने ब्राह्मणों की रचना इसलिए करी ताकि वो दूसरों की भलाई कर सके, तो मुझे राजा हरिश्चंद्र की भलाई का कुछ सोचना चाहिए। प्रश्न किया हरिश्चंद्र से कि आपकी स्थिति ऐसी कैसे हुई। महाराज हरिश्चंद्र ने सारी कथा कह दी। अब ये बात सुनकर ऋषि गौतम मुनि को काफी आश्चर्यचकित हुआ। अब इस बार महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन करते हैं। ऋषि गौतम कहते हैं कि आप चिंता ना करिए राजन, आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आने वाली एकादशी अन्नदा एकादशी बहुत ही समीप है, इस व्रत का पालन करिए, भक्ति पूर्वक पालन करिए, रात्रि में जागरण करिए, अन्न को ग्रहण ना करिए। इस व्रत को पालन करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और आपको आपका सारा राज्य फिर से दोबारा से मिल जाएगा। भगवान महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी को करने वाले या इस व्रत को सुनने वाले या पढ़ने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हमें हनुमान जी की तरह भगवान की सेवा में तत्पर लगे रहना चाहिए, भगवान की सेवा इस तरह से करनी चाहिए कि चाहे एकादशी हो, चाहे निर्जला हो, चाहे कोई भी व्रत हो, हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। तो आज के लिए इतना काफी है, ऐसे ही मैं और वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, इसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें और शेयर भी कर दें। हरे कृष्णा।